नमस्कार, सुजीत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ डिजी फेस्ट 2022 का आगाज। मुख्यमंत्री ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस में राजस्थान नहीं किसी से पीछे। राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना साबित हो रही वरदान। जयपुर में मार्शल आर्ट प्लेयर की हुई निःशुल्क कंधे की सर्जरी। सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट में युवाओं और टेक्नोक्रेट्स का रुझान देखते ही बनता है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में चल रहे इस फेस्ट में देश भर के नामचीन स्टार्टअप एंट्रप्रेन्योर युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस में किसी से पीछे नहीं है। इंटरनेट का रिवोल्यूशन है, उसको आधा बना करके राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। यहाँ के नौजवानों को पूरा अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, और सरकार चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आईटी बेस हो, चाहे ई गवर्नेंस हो, उसमें हम लोग चाहेंगे राजस्थान देश में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहे। वही हमारा प्रयास है, वही हमारे अप्रोच है। इसीलिए दो दिन का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये सोच समझ के रखा गया है। और राजीव गांधी के नाम से कल जो इंस्टीट्यूट खड़ी हो रही है, आप देखेंगे वो भी आने वाले वक्त में युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत रहेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यहां युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा अगला बजट युवाओं और छात्रों के लिए खास होगा। अगला बजट मैंने तय किया है। इस बार बजट मैंने किसानों के लिए प्रस्तुत किया था अलग से। अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों को समर्पित होगा। विश्व प्रख्यात रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोराना ने अधिकारियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत रामदेवरा में बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद मेले में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी। मेला पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति सुनिश्चित करे कि मेले के दौरान किसी प्रकार की भगदड़ या दुर्घटना ना हो। यात्री भार को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में रोडवेज बसों की व्यवस्था और यात्रियों को समय पर उचित चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मेले के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। चिरंजीवी योजना के तहत मार्शल आर्ट प्लेयर की शहर के कामटिया अस्पताल में कंधे की दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। वुशु के राष्ट्रीय खिलाड़ी गणेश पंचोली को बार बार कंधा उतरने के चलते खेल को जारी रखना असंभव था। खिलाड़ी गणेश कई अस्पतालों में चक्कर काट कर निराश हो चुका था। इलाज का अधिक खर्च वहन करना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे में कामटिया अस्पताल के ऑर्थो प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने दूरबीन से सर्जरी की। कई अस्पतालों में दिखाया इसके बारे में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा बताया गया था, तो इतना मैं वहन नहीं कर सकता। मैं गरीब परिवार से हूँ, तो फिर मुझे यहाँ के बारे में ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के उसमें योजना में मेरा निःशुल्क इलाज हुआ है यहाँ। राज्य सरकार ने कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र के सभी 46 खनन पट्टों को प्रीमैच्योर टर्मिनेट कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विभाग द्वारा सभी 46 खनन पट्टाधारियों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद 18 अगस्त 2022 को खनन पट्टों के निरस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गत माह कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र में खनन कार्य बंद कराने के साथ ही इस क्षेत्र को वन भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। सुजीत समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।